आज हिंदुस्तान में बे विचारधाराओं वच्चे लड़ाई छे। राहुल गांधी आ प्रहार कर्या छे, राहुल गांधी आज दमण में छे, अने आप जोई रह्या छो सीधा राहुल गांधी ने आ सभाना दृश्य। आपको तो शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल जो राजा बैठा है, जो यहाँ पे पहले 70 साल 80 साल पैसे पहले जो होता था आज हो रहा है। अगर मैं ये देश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल इन्होंने यहां बैठा रखे हैं, बाकी देश में भी ये यही करने जा रहे हैं। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनके पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं। फिर कहने की भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं। आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए। वो चाहते हैं कि इस बीच पे अगर टूरिस्ट आए तो आपको फायदा ना हो, बीच पे साइन हो अदानी बीच, आपके एयरपोर्ट पे अदानी का नाम हो, आपके हाईवेज अदानी बनाए, जो भी यहां बिके वो अदानी और अंबानी बेचें, और आप लोग बस देखते रह जाओ। और ये इन्होंने पूरे देश में किया है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। हिंदुस्तान के 22-25 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है बेटा? हाँ, जो लाल शर्ट पहने हो जानते हो 16 लाख करोड़? हाँ, तुम जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? जानते हो? हाँ, तुम्हीं से बोल रहा हूं, जानते हो कितना होता है 16 लाख करोड़ रुपया? मैं बताता हूं, 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा, 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ किया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत GST लागू की, किसको फायदा हुआ? यहां पे एक आदमी नहीं है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ हो, अदानी अंबानी। आप मुझे बताओ यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ है? ना। एक आदमी है यहां पे जिसको GST से फायदा हुआ? ना। अब देखिए मजे की बात, देखिए आप शर्ट खरीदते हो, ये भैया आपने शर्ट कितने की खरीदी? हाँ, आपने कितने की खरीदी है? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूं, सफेद वाला। हाँ, कितने की खरीदी? 200। अब देखो लड़के ने 200 रुपए की शर्ट खरीदी, 18% GST लगा, इसके जेब से निकला। अगर अदानी अरबपति यही शर्ट खरीदता तो वो भी 18% टैक्स देता। मतलब जितनी टैक्स आप देते हो उतनी अदानी देता है। आमदनी इनकी हजारों में, उनकी हजारों करोड़ रुपए में, टैक्स जितना आप उतना वही। और टैक्स कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हो, किसान दे रहा है, मजदूर दे रहा है, बेरोजगार युवा दे रहा है। और पैसा कहां जा रहा है? उन्हीं 2-3 लोगों के जेब में। आप जानते हो उन्हीं के जेब में आपका पैसा जा रहा है। तो हमने निर्णय लिया कि अगर ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी,
20-25 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। तो आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं आपको। मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। सबसे पहला वो होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा। आपको खुश करने आया हूं आज मैं, यहां मूड ठीक करने आया हूं। जो मोदी जी ने, अंकल जी ने आपका मूड खराब कर रखा है वो मैं ठीक करने आया हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी, और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अब आप पूछो क्या होगा, पूछो क्या होगा, मैं बताता हूं। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल देंगे, हर महीने 8,500 रुपए, खटाखट 1 तारीख को खटाक। आप जानते हो यहां महिलाएं बैठी हैं, 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं, सही करते नहीं करते, ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है, 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है, मिलता नहीं मिलता है। मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती है, 8 घंटा घर में करती है, 16 घंटा वो काम करती है, मगर जो घर में काम करती है उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। वो उससे आपका भी फायदा होगा, ये मत सोचिए कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, मगर महिला के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल का डालेंगे। तो ये हो गई पहला कदम, करोड़ों लाखपति का पहला कदम। अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूं। यहां पे मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है, प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सारी यहां पे नौकरियां खत्म की हैं, मैं मुझे दिख रहा है, ये देखो हां दिख रहा है। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले, अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है, उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है, पर वो अलग बात है। तो वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, सैलरी मिलती है, और फिर उसके बाद 1 साल की टेम्परी, 6 महीने की टेम्परी नौकरी करने के बाद उनको परमानेंट नौकरी मिलती है। मगर हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको यह मौका नहीं मिलता। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूं यहां, अब मिलेगा। अब हमने सीधी सी बात रखी है, हिंदुस्तान का कोई भी ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, उसको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, गांव में काम का अधिकार दिया था, अब हम पूरे हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अधिकार देने जा रहे हैं। अधिकार का मतलब अधिकार